ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में एक नाइट क्लब के बाहर फायरिंग हुई है। इस फायरिंग में अब तक एक शख्स की मौत हो चुकी है जबकि 3 लोग घायल हैं। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक ये गोलीबारी सुबह 3:30 बजे हुई। विक्टोरिया पुलिस ने बताया कि गोलीबारी लिटिल चैपल स्ट्रीट और लालबर्न रोड पर हुई। हालांकि मेलबर्न पुलिस का कहना है कि यह घटना आतंकी हमला नहीं है। अब तक इस घटना के पीछे किसी आतंकी संगठन के होने की भी खबर सामने नहीं आई है। बताया जा रहा है कि घायलों में एक गार्ड भी है जिसके चेहरे पर गोली लगी है। घटना की पुलिस जांच कर रही है लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। हालांकि इस बात की जानकारी पुलिस ने नहीं दी है कि आखिर इस गोलीबारी के पीछे मकसद क्या था।